ओके सो करंट अफेयर्स हैं ये जून 24 यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, ठीक है। अब इसका जो इंडेक्स है दैट सेज कि हमारे पास यहाँ पे 4-5 पोर्शंस हैं, रिपोर्ट्स, स्कीम्स, उसके बाद हेल्थ, एक्ट्स एंड लॉ रिलेटेड जितना भी लीगल स्टफ है वो सब कुछ, पर्सनालिटीज इन न्यूज़ और आपका मिसलेनियस, ठीक है जी, जो कि थोड़ा सा मिक्स स्टफ है जिसको हम और कहीं पे क्लासिफाई नहीं कर पाते हैं, उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया मिसलेनियस में। तो आज की क्लास में जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग सबसे पहले रिपोर्ट्स के ऊपर बात कर ले। तो जितनी भी रिपोर्ट्स जो हैं बिटवीन लास्ट में यानी कि मई 2023 और अभी तक मार्च 2024 तक पब्लिश हुई है, वो सारी रिपोर्ट्स जो है वो ये वाली है। इसके अंदर इंडिया का रैंक कौन सा है, रिपोर्ट के अंदर कौन कौन से इंडाइसेस हैं, इंडिकेटर्स हैं, वो सब कुछ हमें देखना होता है, ठीक है। क्या इम्प्रूवमेंट करी है और क्या कुछ जो है रिपोर्ट में इंडिया स्पेसिफिक चीजें बताई हैं, ठीक है, जो डाटा और फिगर्स वो सब कुछ उसके अंदर मेंशन किया होता है वो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ रहे थे, तो इसलिए सारे इम्पोर्टेंट। तो पहले इसी के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। मेरी आवाज क्लियर है ना, क्या मैं ऑडिबल? यस मैम, जस्ट अ यस सेकंड, मैम। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। अब ठीक है, ओके। तो पहली जो रिपोर्ट है दैट इज जेंडर गैप रिपोर्ट। अब देखो आप लोगों ने करना क्या है, मैंने तो खैर यहाँ पे सब कुछ ही डाल दिया है इसके अंदर, ठीक है, जितना भी रिपोर्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, बट आप लोगों को घबराना नहीं है बिकॉज आप लोग 75% ऑफ दिस मटेरियल जो है वो आप लोग पहले ही नोट्स के अंदर पढ़ चुके हैं, जैसे कि जेंडर गैप रिपोर्ट के कौन कौन से जो है इंडिकेटर्स पैरामीटर्स होते हैं जिनके ऊपर जो है ये मेजर करता है चीज़ों को, ठीक है, कौन निकालता है जेंडर गैप रिपोर्ट, और आपका HDR रिपोर्ट है इसी PDF के अंदर वो कौन निकालता है वो आपको पता है, जेंडर इनइक्वालिटी रिपोर्ट कौन निकालता है वो आपको पता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ जो मटेरियल है ये ऑलरेडी नोट्स के अंदर कवर्ड है, ठीक है, जस्ट आपकी रिविजन हो जाए इस करंट अफेयर्स मैगजीन के अंदर दोबारा से, इसलिए मैं इनको यहाँ पे इंक्लूड कर दी, ठीक है। और सो दैट कि मतलब अगर मैं सिर्फ यहाँ पे ये लिख दूँ कि भाई जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 इज इक्वल टू कि इंडिया का रैंक जो है वो 127 आया है 146 में से, आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे, हो सकता है आपने उससे रिलेटेड जो आपने मटेरियल के अंदर पढ़ा था वो काफी पहले पढ़ा हो, ठीक है, तो आप मतलब वो फिर इधर उधर इन्फॉर्मेशन हो जाएगी आपके माइंड के अंदर, ऑर्गेनाइज नहीं हो पाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे सब कुछ इंक्लूड करा। पर आपका जो फोकस है वो ये है कि बाकी वाला मटेरियल आपने रिवाइज करना और जो न्यू इन्फॉर्मेशन है वो आपने रिटेन करना, ठीक है, जैसे इस साल का जो रैंक है वो आपको यहाँ पे मिलेगा लेकिन इससे पिछले सालों वाले जो रैंक है वो आपको आपके जो मटेरियल है क्लास नोट्स है उसके अंदर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके पढ़ने की कोशिश करना, करंट अफेयर्स इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है बिकॉज आपको जो है इसको स्टैटिक के साथ जो है लिंक करना आना चाहिए, ठीक है। तो ऑन दैट नोट जो पहली रिपोर्ट है दैट इज जेंडर गैप रिपोर्ट 2023, अब आपको अच्छे से पता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो हर साल इस रिपोर्ट को निकालता है, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे जो 2023 की रिपोर्ट जो है वो लेटेस्ट है, ठीक है, जो उन्होंने मेरे ख्याल से पिछले साल में जून 23 के अराउंड जो थी निकाली थी, ठीक है जी। तो इसमें क्या है कि एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट इंडिया हैज रैंक्ड एट 127 आउट ऑफ 146 कंट्रीज, 146 कंट्रीज में से इंडिया का जो रैंक है दैट इज 127, मीनिंग देयर बाय कि भाई इन लोगों ने 146 कंट्रीज को मेजर करा है कुछ कुछ इंडिकेटर्स के ऊपर, ये जानने के लिए कि वहां पर जो है जेंडर इक्वालिटी के अंदर कितना और गैप जो है वो बाकी है, ठीक है, और उन मेजर्स के ऊपर जब इन्होंने देखने की कोशिश करी तो इन्होंने पाया कि इंडिया जो है 146 कंट्रीज में से 127th रैंक के ऊपर आता है, ठीक है। अब जो पिछले साल था यानी कि 22 वाला सेम इंडेक्स के अंदर इंडिया का रैंक था 135, ठीक है, 22 में था 135 और 23 के अंदर है 127, तो दैट मीन्स कि इंडिया ने जो है 8 प्लेसेस की इसके ऊपर इंप्रूवमेंट करी है, ठीक है, कुछ कुछ परसेंटेज पॉइंट्स की इंप्रूवमेंट करी है। तो आपसे डायरेक्टली पूछ लेंगे इसमें से, या तो वो 22 का पूछ लेंगे 23 का पूछ लेंगे, या फिर जो है वो सीधा एक क्वेश्चन ऐसे बना देंगे कि हैज इंडिया इंप्रूव्ड इन 2023 जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है, असर्शन या रीजन के अंदर आ जाएगा कि ऊपर लिख दिया कि इंडिया हैज इंप्रूव्ड और नीचे आपसे रीजन पूछ लेंगे कि आपको क्यों लगता है कि इंडिया ने क्यों इंप्रूव करा है, तो ये किसी भी तरीके से क्वेश्चन जो है वो फ्रेम हो सकता है, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको अच्छे से रिटेन करनी है, ठीक है। और बाकी फिर हर साल जो जेंडर गैप रिपोर्ट के अंदर कुछ कुछ मटेरियल होता है वो इस बार भी है कि भाई अभी ये बोल रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड नॉट जस्ट इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड अगर हम लोग देखें तो 131 साल लगेंगे फुल पैरिटी के ऊपर, फुल जेंडर पैरिटी के ऊपर पहुंचने के लिए, जहां पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, इनहेरेंट या एक्सटर्नल जो है वो नहीं रहेगी व्हेन इट कम्स टू जेंडर। तो उसके लिए कितने साल ये लोग बोल रहे हैं कि 131 ईयर्स लगेंगे, ठीक है।
और फिर वही स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है वो हर बार टॉप करते हैं इस इंडेक्स के अंदर। इस बार भी आइसलैंड है एट 91.2% का, फिर नॉर्वे और फिनलैंड, ये टॉप थ्री जो स्कोरर्स हैं वो रहे हैं। और इंडिया का हमने देखा कि 127 के ऊपर है। और देखो अब जेंडर गैप के अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं ये ऑलरेडी नोट्स के अंदर बहुत अच्छे से और क्लास में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे दोबारा से इंक्लूडेड है कि जेंडर गैप के जो पैरामीटर्स हैं, पहला होता है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन यानी कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन आप एक तरीके से बोल सकते हो, एजुकेशनल अटेनमेंट ठीक है स्कूल एजुकेशन हायर एजुकेशन वगैरह वगैरह, फिर हेल्थ और फिर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ठीक है जी। अब वो बोल रहे हैं कि भाई इंडिया ने जो है थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करा है व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन इस बार ठीक है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन के ऊपर जो है 36.7% ठीक है, और आपका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के ऊपर 25.3%, यानी कि जहाँ एजुकेशन एनरोलमेंट के अंदर इंडिया ने बेटर परफॉर्म करा, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जो वहीं की वहीं थोड़ी सी टिकी हुई है ठीक है। तो अब हालांकि अगर जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल है वो आपका जब भी इन्फोर्स आता है उसके बाद इंडिया की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के अंदर बहुत ज्यादा जो है इम्प्रूवमेंट हम लोग देखेंगे, बिकॉज तब तो फिर रिजर्व सीट्स हैं तो हमें पता है कि उतनी वुमेन तो पार्लियामेंट के अंदर आएंगी ही आएंगी, बट दैट डिपेंड्स कि वो कब तक इम्प्लीमेंट हो पाता है। बट एनी वेज जब भी होगा बिकॉज अभी तो वो एक एक्ट बन चुकी है, तो हम लोग इतना तो मान करके चल सकते हैं कि 5-10 सालों के अंदर इम्प्लीमेंट तो होगा ही होगा। तो जब भी होगा इंडिया की पोलिटिकल एम्पावरमेंट के अंदर जो है इम्प्रूवमेंट आप लोग देखोगे इन द जेंडर गैप रिपोर्ट। या देखो इस तरीके से कनेक्ट करना होता है चीजों को, जैसे आपको आपने देख लिया यहाँ पे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट लिखा हुआ, आपको पता है कि अभी अभी इंडिया ने जो है रिजर्वेशन बिल भी पास करा है, तो आप देखो कि उसका इस चीज के ऊपर कितना असर पड़ेगा। सो दिस इज हाउ यू लिंक अलग अलग तरीके की चीजें, और इससे जो है आपकी फिर नॉलेज बढ़ती है, आपके माइंड के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है इन सारे अलग अलग चीजों की वो इम्प्रूव होती है ठीक है। और देखो बांग्लादेश एट 59, चाइना एट 107, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, ये सारी कंट्रीज जो है ये इंडिया से आगे हैं ऑन जेंडर पैरिटी। इंडिया जो है इन सबसे पीछे चलता है, यानी कि सारी की सारी साउथ एशियन जो आपकी कंट्रीज हैं इंडिया उन सबसे पीछे चलता है इन टर्म्स ऑफ जेंडर पैरिटी ठीक है, या जेंडर गैप। फिर यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है कि भाई इंडिया में कौन कौन सी जो है इनिशिएटिव सरकार ने लिए हैं जेंडर पैरिटी को इम्प्रूव करने के लिए, व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी, व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ठीक है। ये सब कुछ मैंने इंक्लूड कर दिया सो दैट कि आप लोग थोड़ा सा और यहाँ पे रिवाइज कर सकते ठीक है। सो दिस वाज अबाउट जेंडर गैप रिपोर्ट। ऑलरेडी आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, सिर्फ जो न्यू इन्फॉर्मेशन है वो ये रैंक याद रखना ठीक है, कितनी इंप्रूवमेंट है वो याद रखना, और कुछ कुछ आप ये याद रख सकते हो कि इंडिकेटर्स के ऊपर किस तरीके से परफॉर्म करा है इस बार ठीक है। कोई डाउट अभी तक किसी को? ओके नो मैम, ठीक है, तो जो अगली रिपोर्ट है दैट इज जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स रिपोर्ट। अब देखो होता क्या है ना, जब भी हम कोई रिपोर्ट पढ़ते हैं ना वो बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिकल होती है और नंबर्स बहुत ज्यादा डिपेंड करती है ठीक है, और उसी वजह से उसके अंदर वही चीजें इंक्लूड हो पाती हैं जिनको आप मेजर कर सकते हो ठीक है। बिकॉज जिस चीज को आप मेजर नहीं कर सकते हो उस चीज के ऊपर जो है कंपैरिजन कर पाना या कुछ भी एक फैक्चुअल आंसर देना जो है वो मुश्किल होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जैसे सोशल नॉर्म्स जैसी जो चीजें होती हैं ठीक है, कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं सोसाइटी के अंदर जो प्रिवेल करते हैं, जो कि सोशल नॉर्म्स हम जिनको बोलते हैं ठीक है, वो किस तरीके से जेंडर इक्वालिटी को, जेंडर पैरिटी को इम्पैक्ट करती है, वो मेन के फेवर में काम करती है कि वुमेन के फेवर में काम करती है, ये सारी चीजों को मेजर कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन स्टिल हाल फिलहाल के अंदर हम लोगों ने देखा है कि इस तरीके की जो कोशिशें हैं वो की गई हैं ठीक है। जैसे आप अपने नोट्स के अंदर देखना एक OSCI नाम का इंडेक्स होता है ठीक है, वो वाला जा करके देखना, मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी सो दैट कि आप लोग जा करके उसको खुल के देखो, तो वो भी थोड़ा सा सोशल नॉर्म्स को ही ठीक है, जो सोशल बेसिकली सर्कमस्टांसेस है उनको मेजर करने की कोशिश कर ठीक है। बट एनीवेज तो ये वाली जो रिपोर्ट है जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स रिपोर्ट ये किसने निकाली है? UNDP ने निकाली है ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब देखो आप 6 रिपोर्ट्स के अंदर तो आप ये पढ़ोगे कि UNDP ने निकाली है ठीक है, तो आई डोंट थिंक इसको याद रखना उतना ज्यादा मुश्किल होगा। और ये उसका जो टाइटल था वो आप लोग देख लेना, ब्रेकिंग जेंडर, ब्रेकिंग डाउन जेंडर बायस, शिफ्टिंग सोशल नॉर्म्स टुवर्ड जेंडर इक्वालिटी ठीक है। तो वही चीज जो मैंने आपको बोली कि बिलीव्स, बायसेस, प्रेजुडिसेस रिगार्डिंग जेंडर इक्वालिटी जो है उसको कैप्चर करने की कोशिश करता है ठीक है। जो चीज जो है ट्रेडिशनली कैप्चर करने की कोशिश नहीं की जा सकी बिकॉज उसके ऊपर जो है स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन कम होती है, उसको ये करने की कोशिश कर ठीक है। और इसके अंदर जो है 4 डायमेंशन है, 4 डायमेंशन यहाँ पे दिए होंगे, हाँ ये देखो पोलिटिकल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक,
और फिजिकल इंटेग्रिटी, यानी कि जेंडर गैप से क्या डिफरेंट है ये वाला, वहां पे हेल्थ की बात होती है और यहाँ पे फिजिकल इंटेग्रिटी की बात है, और ये सब कुछ है, ये उसके इंडिकेटर्स दिए हुए होंगे, ठीक है, उसको एक बार पढ़ लेना आप लोग, राइट। तो इन सारे इंडिकेटर्स के ऊपर जो है इन्होंने मेजर करने की कोशिश करी, और इसमें जो है 1 की वैल्यू का मतलब होता है बेसिकली, ये लोग करते क्या है, एक सर्वे की तरीके की रिपोर्ट है, जहाँ पे लोग लोगों से जाकर के कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे हम लोग सर्वे में पूछते हैं, और देखते हैं कि उनके माइंड के अंदर, ठीक है, या उनकी कॉन्शियसनेस के अंदर जेंडर बायसेस जो है वो किस तरीके से भरे हुए हैं, ठीक है। तो जैसे अगर किसी इंडिविजुअल से आपने कोई क्वेश्चन पूछा और आपको लगा कि वो आंसर जो है वो जेंडर बेसिस के ऊपर बायस्ड है, तो फिर जो है 1 की वैल्यू वहां पे दी जाती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर इंडिविजुअल ने जो है ऑपोजिट आंसर दिया, जहां पे आपको लगता है कि जेंडर बायसेस नहीं है, तो फिर 0 की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से इसको मेजर किया जाता है, राइट। और इसमें जो ये डाटा है ये लोग लेते हैं वर्ल्ड वैल्यू सर्वे से, ठीक है जी, अलग अलग कंट्रीज टेरिटरीज की, जो कि 85% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन को कवर कर रहे हैं। मैं इसमें थोड़ा सा रश कर रही हूँ, बिकॉज ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब कुछ समझना, जहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि ये क्या मेजर करने की कोशिश कर रहा है, वहीं पे बात खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप सिर्फ UNDP याद रखना, ठीक है। और डायमेंशन वगैरह तो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, पर कोई नए डायमेंशन नहीं है जो आपको अलग से याद रखने पड़ेंगे, सिर्फ एक फिजिकल इंटेग्रिटी, ऑलराइट। तो यहाँ पे जो है कि फाइंडिंग्स में देखो, 9 out of 10 मेन एंड वेमेन होल्ड बायसेस अगेंस्ट वुमेन, कि अगर आप 10 आदमी और औरतों से, तो ये क्या लिख रहे हो, प्लीज सेंड द PDF ऑफ जेंडर गैप रिपोर्ट। हाँ, तो ये सारी PDF ही आपके ऊपर होगी ना, जेंडर गैप रिपोर्ट की, क्या सिर्फ ये पूरी की पूरी PDF ही आपके ऊपर अपलोड होगी, ठीक है। ओके, एनीवेज, तो 9 out of 10 मेन एंड वेमेन होल्ड बायसेस अगेंस्ट वुमेन, ठीक है जी, कि अगर आप 10 आदमी औरतों से पूछते हो, तो उनमें से कम 9 आपको ऐसे मिलेंगे जिनके दिमाग के अंदर किसी ना किसी तरीके का कोई ना कोई बायस अगेंस्ट वुमेन जो है वो आपको मिलेगा वहां पे, ठीक है। जैसे कि किस किस तरीके के बायसेस हो सकते हैं, जैसे 50% ऑफ लोग बिलीव कि भाई मेन जो है वो बेटर पोलिटिकल लीडर्स होते हैं देन वुमेन। अब इसका क्या मतलब है कि अगर एक मेन प्राइम मिनिस्टर हो इंडिया का, मेल प्राइम मिनिस्टर हो, ठीक है, और एक फीमेल प्राइम मिनिस्टर हो ऑन द अदर हैंड, क्या, तो उनको लगेगा कि भाई वो लोग मेल प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा प्रेफर करेंगे, बिकॉज दे थिंक कि वो एक बेटर लीडर होगा, ठीक है। और फीमेल क्यों नहीं बेटर पॉलिटिकल लीडर होगी, बिकॉज वो फीमेल है, और वो ट्रेडिशनली इस तरीके के पॉलिटिकल रोल्स जो है वो वुमेन को करते हुए देखा नहीं गया, इसलिए लोगों को लगता है कि भाई 50% लोगों को ऐसा लगता है कि मेन मेक बेटर पोलिटिकल लीडर्स देन वुमेन, राइट। देन अराउंड 40% बिलीव दैट मेन मेक बेटर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स देन वुमेन डू। तो जहाँ पॉलिटिक्स में जो चीज है वही इकोनॉमी में भी है, बिजनेस में भी लोग समझते हैं कि मैन जो है वो ज्यादा बेटर लीडरशिप रोल्स जो है वो निभा पाएंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ हमें ये रिपोर्ट बता रही है। देन बायस जेंडर सोशल नॉर्म्स आर मेजर इंपेडिमेंट टू अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरिंग ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर इसी तरीके की चीजें चलती हैं, तो हम लोग जो हमारे SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिसका टारगेट ये 2030 है, जिसमें SDG 5 टॉक्स अबाउट जेंडर इक्वालिटी, तो उसके लिए एक इम्पेडिमेंट होगा उसको अचीव करने के लिए, हिंड्रेंस, ठीक है जी। और ये जो आपको बोथ लोअर एंड हायर HDI कंट्रीज के अंदर इस तरीके के बायसेस मिलेंगे। देखो जनरली क्या देखा जाता है, जो HDR रिपोर्ट को भी जिस चीज के लिए क्रिटिसाइज किया गया था, कि क्योंकि उसके अंदर इनकम लेवल्स को इंक्लूड किया जाता है, तो आपको ऐसा लग सकता है कि जेंडर इक्वालिटी जो है वो आपकी जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है उनके अंदर बेटर है, और डेवलपिंग इकोनॉमीज के अंदर कम है, बिकॉज उसमें इनकम को भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। लेकिन फिर वो पूरी स्टोरी जो है वो क्लास नोट्स के अंदर इंक्लूडेड है, कि उस क्रिटिसिज्म को हैंडल करने के लिए बाद में किस तरीके के GDI GII जैसे जो है इंडेक्सेस UNDP लेकर के आता गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी जब हम बायसेस की बात करते हैं ना, जो बिलीव्स हैं, जो प्रेजुडिसेस हैं, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ की इकोनॉमी या पॉलिटिक्स के अंदर कौन कौन से ऐसे मतलब एक्ट्स हैं, रेगुलेशंस हैं जो जेंडर इक्वालिटी को इंश्योर कर रहे हैं और प्रोबेबली अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन बायसेस जो है ना वो इन चीजों के बावजूद भी किसी भी समाज के अंदर रह सकते हैं। और वही यहाँ पे बात बोल रहे हैं कि आपको लोअर और हायर HDI कंट्रीज, यानी कि जो लो इनकम कंट्रीज है, हाई इनकम कंट्रीज है, उन सब के अंदर आपको इस तरीके के जेंडर बायसेस जो है वो देखने को मिलते हैं, जो इस रिपोर्ट ने मेजर, ठीक है। और फिर उसके बाद ये रीजंस बता रहे हैं, ये तो नॉर्मली हम लोग ये सब कुछ पढ़ चुके हैं क्लास के अंदर, तो कौन कौन से ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से ऐसे नॉर्म्स जो है वो परसिस्ट करते हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तो इसको प्लीज याद रख लेना, ये तो जरूरी पूछ लेंगे वो कि कौन लॉन्च करता है इस रिपोर्ट को, कौन लेकर के आता है हर साल, तो UNDP है, ठीक है। ओके ओके okay. जी, अच्छा एक है विच आई विल से कि प्रोबेबली
इस पूरी पीडीएफ की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, दैट इज दिस रिपोर्ट, 5-2 इक्वल रिपोर्ट, ठीक है, या 5-2 इक्वालिटी बोल लो, अगर आपको जैसे भी याद करने में आसानी रहेगी। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ मैं इसको, वो इसलिए बिकॉज ये नई रिपोर्ट आई है, ठीक है। इसका जो पहला जो एडिशन है वो 2023 के अंदर लॉन्च हुआ है, ये बेसिकली नई रिपोर्ट क्राफ्ट करी गई है नए इंडाइसेस के ऊपर, नए इंडिकेटर्स, नए पैरामीटर्स के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए बिकॉज ये नई है तो वो एग्जामिनर का भी इसके अंदर इंटरेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा रहेगा, राइट। तो अब किसने निकाली है ये रिपोर्ट, यूएनडीपी और यूएन वुमेन ने, दोनों ने मिलकर के इस रिपोर्ट को निकाला है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना कि भाई 5-2 इक्वल रिपोर्ट कौन लेकर के आए, यूएनडीपी और यूएन वुमेन जो है साथ में इस रिपोर्ट को उन्होंने लॉन्च किया, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको यूएनडीपी के बारे में कुछ कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा जो कि नोट्स के अंदर भी इंक्लूडेड है, ठीक है जी। वैसे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि यूएनडीपी कब बना था या इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, बस ये याद रख लेना कि ये रिपोर्ट्स कौन कौन से निकालता है, ठीक है, स्पेशली जेंडर रिगार्ड्स के अंदर कौन कौन से रिपोर्ट्स निकालता है। बट एनीवेज थोड़ा सा आप लोगों के लिए आसान हो जाए चीज़ों को याद रखना, इसलिए मैंने टैबुलर फॉर्म के अंदर जो है यहाँ पे इंक्लूड करें, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के बारे में भी लिखा हुआ है, तो ये सारी चीजें भी देख लेंगे, राइट। तो कमिंग बैक टू दिस, तो यूएनडीपी और यूएन वुमेन ने निकाली है द 5-2 इक्वल ट्विन इंडाइसेस ऑन वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी रिपोर्ट। अब इसको ट्विन इंडाइसेस क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ये लोग दो नए इंडाइसेस लेकर के आए हैं, ये जो 5-2 इक्वल है इसको मेजर करने के लिए, ठीक है, कि भाई हम लोग कैसे जो है वहां तक पहुंचेंगे जहां पे जेंडर इक्वालिटी को इंश्योर किया जा सके, द 5-2 इक्वल, ठीक है। उसके लिए दो इंडाइसेस लेकर के आए जिसके बेसिस के ऊपर इस जर्नी को मेजर किया जा रहा है, तो इसलिए इसको बोल रहे हैं द 5-2 इक्वल ट्विन इंडाइसेस ऑन वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी रिपोर्ट, ठीक है। अब अगले 5 मिनट बहुत ध्यान से सुनना, जस्ट अ सेकेंड, पानी पी लूंगा थोड़ा सा ना। अच्छा, तो मैं वो सेम कि अगले 5 मिनट बहुत ध्यान से सुनना है कि ये दो नए इंडाइसेस कौन से हैं। पहला ग्लोबल जेंडर पैरिटी इंडेक्स, ठीक है, ग्लोबल जेंडर पैरिटी इंडेक्स। अब आपने जेंडर पैरिटी इंडेक्स पहले सुना होगा, इसको डिफरेंशिएट आप कैसे करोगे, ग्लोबल लगाकर। तो ग्लोबल जेंडर पैरिटी इंडेक्स, अब जहां पर भी पैरिटी की बात आ जाती है मीन्स क्या है कि हम लोग मेन और वुमेन के बीच में कंपेरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, इवेल्यूएट्स द स्टेटस ऑफ वुमेन रिलेटिव टू मेन अक्रॉस 4 डायमेंशंस, कि अगर हम 4 डायमेंशंस के ऊपर मेजर करने की कोशिश करें तो उन्हीं 4 डायमेंशंस के ऊपर मेन किस तरीके से परफॉर्म करते हैं और वुमेन किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो जब हम इस कंपैरिजन को इवेल्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको हम यहाँ पे पैरिटी इंडेक्स बोल रहे हैं, जेंडर पैरिटी इंडेक्स, राइट। तो वो 4 डायमेंशंस कौन से हैं जिसके ऊपर ये करने की कोशिश की जा रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल इज लाइफ एंड गुड हेल्थ। देखो अल्टीमेटली ना वही 4-5 चीजें होती है जिनको मेजर करने की कोशिश की जाती है, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, ये सब कुछ आता है, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ा सा जो है इसकी टर्मिनोलॉजी अलग हो जाती है, जैसे कहीं और पे आपको सिर्फ हेल्थ मिलेगा तो यहाँ पे लाइफ एंड गुड हेल्थ कर देंगे वो, कहीं और पे हो सकता है आपको लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन मिले, यहाँ पे जो है वो लेबर एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाएगा अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा बैंकिंग सिस्टम भी डाल दो तो, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बस आप ये देख लो कि कौन सी चीज को ये कवर कर रहा है, यहाँ पे हेल्थ है, एजुकेशन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, ठीक है। और जब वो एग्जाम में तो वो आपको स्पेसिफिक ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ आ जाएगा, तो वहां पे आपको स्ट्राइक कर जाएगा कि इनमें से कौन सा, ठीक है। तो जो 4 डायमेंशन है, नंबर 1 इज लाइफ एंड गुड हेल्थ, दूसरा है एजुकेशन, स्किल बिल्डिंग एंड नॉलेज, तीसरा है लेबर एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, और चौथा है डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो ये 4 डायमेंशंस जो है ये ग्लोबल जेंडर पैरिटी इंडेक्स के ऊपर इसको मेजर किया जाता है। लाइफ एंड गुड हेल्थ में क्या मेजर करेंगे वो, कि भाई जो हेल्थ फैसिलिटीज मेन एक्सेस कर पाते हैं उनको वुमेन किस हद तक एक्सेस कर पाते हैं, जो परसेंटेज है उसको कंपेयर कर लेंगे, कि जहाँ फॉर इंस्टेंस 60% ऑफ मेन जो है वो किसी कंट्री के अंदर जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं ठीक ठाक से उनको एक्सेस कर पाते हैं, उनको अफोर्ड कर पाते हैं, भाई एट द सेम टाइम उसी कंट्री के अंदर ओनली 40% ऑफ वुमेन कैन डू दैट, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंपैरिजन करने की कोशिश की जाती है।
तो हेल्थ में ही आ जाएगा, फिर एजुकेशन के अंदर क्या आ जाएगा, कितने लड़के जो हैं वो कौन से लेवल तक स्कूल में जा पा रहे हैं, उसी के कंपैरिजन में कितनी लड़कियां जो है वो कौन से लेवल तक स्कूल में जा पा रही हैं, और स्कूल के बाद फिर हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, उसका कंपैरिजन कर लेंगे, ठीक है। स्किल बिल्डिंग भी आ जाएगा कि एजुकेशन क्या सिर्फ एजुकेशन है, अगर मेन जो है वो वोकेशनल एजुकेशन भी ले पा रहे हैं, क्या वुमेन वो वोकेशनल एजुकेशन ले पा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर आ जाएगा लेबर एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, राइट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना है, जो मतलब जैसे इंडिया में आपको पता है कि काफी ज्यादा वो कम रहती है जो परसेंटेज है उसकी, जो आप उसको LFPR के सर्वे के अंदर देखते हो जो NSO निकालता है, ठीक है। तो वही सारी चीजें यहाँ पर भी आ जाएंगी। फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या मतलब हुआ कि कितनी विमेन जो हैं इन इन कंपैरिजन टू मेन, उनके पास जो है फॉर इंस्टेंस बैंक में खाते हैं, ठीक है, जो फंक्शनल खाते हैं, जैसे इंडिया में भी इसको बहुत ज्यादा करने की कोशिश की गई थ्रू जनधन अकाउंट्स, राइट। तो वही चीज है कि हम लोग कितने लोगों को जो है फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर इंक्लूड कर पा रहे हैं, सो दैट कि हम लोग उनको एक सिस्टमैटिक तरीके से जो है इकोनॉमी का पार्ट बना सके, ठीक है। तो वो सारी चीजें इसके अंदर देखी जाती हैं, और फिर डिसीजन मेकिंग जो है, डिसीजन मेकिंग फिर इन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी, वो एजुकेशन पे डिपेंड करेगी, वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पे करेगी, वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पे तो करेगी करेगी, ठीक है। और फिर एट द सेम टाइम जो फैमिली के बाकी डिसीजंस होते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस कि आपको किस टाइम के ऊपर शादी करनी है, या आपको शादी के बाद किस टाइम के ऊपर बच्चे पैदा करने हैं, इफ यू वांट टू हैव एन अबॉर्शन, तो आप उसके रिगार्डिंग अपना डिसीजन जो है वो बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे, आपको कौन सी पढ़ाई करनी है, कौन सी जॉब के ऊपर जाना है, ठीक है। तो वो सारे जो मेजर लाइफ डिसीजन होते हैं, नॉट जस्ट मेजर, डेली लाइफ के अंदर भी जो कुछ भी डिसीजन है वो आप अपने बलबूते के ऊपर विदाउट किसी की इंटरफेरेंस या इन्फ्लुएंस वो किस हद तक कर पा रहे हो, वो सब कुछ यहाँ पे मेजर किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज ग्लोबल जेंडर पैरिटी इंडेक्स के 4 डायमेंशंस। ग्लोबल जेंडर पैरिटी इंडेक्स है क्या, जो UNDP और UN वुमेन ने नई रिपोर्ट निकाली है, द पाथ टू इक्वल, उसका एक इंडाइस है, ठीक है, राइट। तो दूसरा वाला जो है दैट इज वुमेन्स एम्पावरमेंट इंडेक्स, ओके, वुमेन्स एम्पावरमेंट इंडेक्स। अब देखो जहाँ पे जेंडर पैरिटी जो था मेन और वुमेन को अक्रॉस सर्टेन डायमेंशन कंपेयर कर रहा था, वहीं पे वुमेन्स एम्पावरमेंट इंडेक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ वुमेन के ऊपर ही फोकस कर रहा है, उसको रिलेटिव टर्म्स में नहीं देख रहा, सिर्फ और सिर्फ जो है एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर वुमेन के ऊपर ही फोकस कर रहा है, मेजरिंग देयर पावर एंड फ्रीडम टू मेक चॉइसेस एंड सीज अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ, राइट। तो इट कवर्स 5 डायमेंशंस। अब ये देखो कि ये 4 डायमेंशंस तो रहेंगे ही रहेंगे वुमेन्स एम्पावरमेंट इंडेक्स के अंदर भी, एक इसके अंदर पांचवा डायमेंशन भी रहेगा विच इज फ्रीडम फ्रॉम वायलेंस, राइट, कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस, जो सेक्सुअल वायलेंस है, वो सब कुछ जो है किस हद तक किसी कंट्री के अंदर, किसी सोसाइटी के अंदर वुमेन फेस कर रही है, ठीक है, तो वो सब कुछ, और फिर उसके लिए जो है लीगल जो ऑप्शंस है वो किस हद तक आप एक्सेस कर पाते हो, ठीक है, आपको किस हद तक जस्टिस मिल पाता है, वो सब कुछ, कितना जो है किसी सोसाइटी के अंदर बेसिकली जो जेंडर वायलेंस है वो प्रेवलेंट है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो जेंडर पैरिटी इंडेक्स में ये 4 जो है आपके डायमेंशन आ जाएंगे, और वुमेन्स एम्पावरमेंट इंडेक्स में ये 4 तो आएंगे ही आएंगे, साथ में एक और आ जाएगा दैट इज फ्रीडम फ्रॉम वायलेंस। तो ये जो है ये 2 नए इंडाइसेस जो UNDP और UN वुमेन लेकर के आए, ग्लोबल जेंडर पैरिटी इंडेक्स एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट इंडेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एज आई टोल्ड यू UNDP के बारे में कुछ कुछ दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो इसको। उसके बाद जो है और क्या बात करती है ये रिपोर्ट जो, ये तो इसके इंडाइसेस हो गए, लेकिन जब इन्होंने इस इन 2 इंडाइसेस के ऊपर मेजर करने की कोशिश करी अलग अलग कंट्रीज को, तो इनको क्या इन्होंने वहां पे पाया वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो की फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट, नंबर 1, जेंडर पैरिटी, नो कंट्री हैज अचीव्ड फुल जेंडर पैरिटी, कि दुनिया की कोई कंट्री ऐसी नहीं है, जैसे हमने देखा जेंडर गैप रिपोर्ट के अंदर आइसलैंड जो है जो कि टॉप स्कोरर है, 91% के ऊपर उसको मेजर कर रहे हैं वो, ठीक है, उसी तरीके से नॉर्वे और फिनलैंड जो है 85%, 90% वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वहां पर भी आपको कुछ ना कुछ गैप देखने को आपको मिल रहा है कि वो 91% क्यों बोल रहे हैं, वो 100% क्यों नहीं बोल रहे, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस अभी भी एग्जिस्ट करते हैं इन कंट्रीज के अंदर भी जहाँ पे हम इतनी ज्यादा जेंडर इक्वालिटी देखते हैं, ठीक है। तो वही बात है कि किसी भी कंट्री को ये रिपोर्ट भी नहीं बोल रही कि भाई कोई भी कंट्री दुनिया की ऐसी है जहाँ पे फुल जेंडर पैरिटी जो है वो अचीव हो गई हो, कि मेन और वुमेन के बीच में किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव जो है, चाहे वो आपका जो है कॉन्शियस लेवल पे हो, चाहे वो एक्सटर्नल लेवल के ऊपर हो, वो आपको कहीं ना कहीं हर एक कंट्री के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये तो बाकी कंट्रीज की बात हो गई, वर्ल्ड वाइड बात होगी, इंडिया में जो है जेंडर पैरिटी वॉज लो डिस्पाइट मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट, की जैसे HDR रिपोर्ट के अंदर जो है इंडिया को मीडियम कैटेगरी में डाला जाता है, कि यहाँ पे मीडियम डेवलपमेंट आप बोल लो, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट बोल लो, ठीक
है, लेकिन एट द सेम टाइम जेंडर पैरिटी जो है वो इंडिया में लो है। ठीक है, अब इस चीज का क्या मतलब है कि जो डेवलपमेंट इंडिया में हो रही है, हालांकि वो बढ़ रही है, लेकिन वो मेन के फेवर में जा रही है, वो मेन के लिए डेवलपमेंट है। इसी वजह से जहां डेवलपमेंट बढ़ रही है, जेंडर पैरिटी लो है, इसका मतलब जो है विमेन के पास उस डेवलपमेंट के फ्रूट्स उतने ज्यादा नहीं आ रहे हैं, वो मेन के पास ही जा रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? नो मैम, ठीक है, तो ये मतलब है जेंडर पैरिटी को, नो बोल रहे हैं कि इंडिया में जो है देर इज लो जेंडर पैरिटी। फिर आता है आपका लाइफ एंड गुड हेल्थ की, अगर हम लोग बात करें, 22 मोर देन 1.2 बिलियन वुमेन एंड गर्ल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एज लिव्ड इन कंट्रीज विद सम रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेस टू सेफ अबॉर्शन, जो हम लोग अभी डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे थे। ठीक है, कि अभी भी 1.2 बिलियन वुमेन, दैट इज की 120 करोड़ आउट ऑफ 800 करोड़ जो है इस टाइम के ऊपर अप्रोक्सीमेट दुनिया की पॉपुलेशन है, उसमें से 120 करोड़ जो है वो विमेन ऐसी हैं जो ऐसी कंट्रीज में रहते हैं जहां पे अभी भी किसी ना किसी तरीके के रिस्ट्रिक्शंस जो हैं सेफ अबॉर्शन के ऊपर वो लगाए गए हैं। जैसे कि हमने अभी देखा था कि यूएस के अंदर जो था अबॉर्शन का राइट जो था वो विमेन से वापस ले लिया गया, राइट? अभी 2022 में जो उनकी जजमेंट आई थी उसमें आप लोगों ने देखा, राइट? तो अभी कुछ स्टेट्स के अंदर, वहां पे यूएस के अंदर अबॉर्शन जो है वो है और कुछ स्टेट्स के अंदर नहीं है, वो फेडरल कोर्ट का डिसीजन था, तो उसको जो है वो पूरी कंट्री के ऊपर लागू करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहां पे स्टेट्स जो है वो ज्यादा ऑटोनोमस होती हैं, तो अभी कुछ स्टेट्स के अंदर वहां पे आपको अबॉर्शन राइट्स शायद आप अवेल कर पाओगे, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे अबॉर्शन राइट्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था किस तरीके से अबॉर्शन राइट्स जो है वो वुमेन के कर्टेल करने की कोशिश की जाती है। जैसे फॉर इंस्टेंस देयर इज दिस कंट्री कॉल्ड आयरलैंड, ठीक है, जो कि इंग्लैंड के पास में पड़ती है, वहां पर भी वुमेन के पास जो है, आई एम नॉट श्योर, इसको एक बार जाकर के देख लेना, हो सकता है, मतलब अभी हाल फिलहाल के अंदर मैंने ज्यादा ना पढ़ा, पता नहीं वहां पे ऐसे पहले ऐसा होता था कि आयरलैंड के अंदर जो था वो अबॉर्शन राइट्स वुमेन के पास नहीं थे, पता नहीं अभी ऐसा है कि उन्होंने दे दिया ऐसे, इसको एक बार चेक कर लेना, वो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप लोग पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा। तो कहने का मतलब ऐसा है कि दुनिया में अभी भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि अबॉर्शन को पाप मानती हैं। ठीक है, अबॉर्शन को ऐसे बोलते हैं कि आप जो वो लाइफ को मर्डर कर रहे हो, ठीक है, और इस वजह से जो है विमेन को वहां पे अबॉर्शन राइट्स जो है वो नहीं दिए जाते। ठीक है, लेकिन इट कम्स डाउन टू विमेन, वो उनके डिसीजन मेकिंग की बात है, दूसरा पर्सपेक्टिव जो है इस डिबेट का वो है। ठीक है, इंडिया में दे विमेन डू हैव द राइट टू सेफ अबॉर्शन, जैसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो पुराने वाली थी, और फिर उसकी 2021 के अमेंडमेंट हम लोग बार बार पढ़ते हैं, अभी हाल फिलहाल में उसी 2021 की एक्ट के जो थे रूल्स भी जो गवर्नमेंट थी वो लेकर के आई, जो उसके अंदर कुछ कमियां थी, ठीक है, कुछ नहीं काफी कमियां थी, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ रूलिंग्स आई हैं, वो भी आप इसी करंट अफेयर्स वाली पीडीएफ के अंदर पढ़ेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि इस चीज का क्या मतलब है लाइफ एंड गुड हेल्थ के ऊपर, जब ये अबॉर्शन को देखा। ठीक है, देन एजुकेशन स्किल बिल्डिंग एंड नॉलेज, तो वही बात है, 11 to 20 मिलियन सेकेंडरी स्कूल एज गर्ल्स माइट हैव बीन फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल ड्यू टू पैंडेमिक। ठीक है, कि भाई कोविड की वजह से बहुत सारी मिलियंस ऑफ गर्ल्स ऐसी थी जो कि स्कूल में दोबारा वापस नहीं जा पाई, तो एजुकेशन के फ्रंट के ऊपर जो है उनका वहां पे काफी ज्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, फिर लेबर एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, 61.8% ऑफ वुमेन ग्लोबली आर इन द लेबर फोर्स सिंस द पास्ट 3 डेकेड्स अगेंस्ट मोर देन 90% ऑफ मेन। देखो ये काफी इंटरेस्टिंग है कि लास्ट अगर आप 30-40 सालों के अंदर देखोगे, जहां मेन आपको 90% ऑफ मेन आपको लेबर फोर्स के अंदर मिलेंगे, वहीं पे वुमेन जो है वो सिर्फ 61% आपको ऑफ प्राइम वर्किंग एजेस, ठीक है, वो आपको वहां पे लेबर फोर्स के अंदर मिलेंगे। तो आप ये डिफरेंस देखो, 90% वर्सेस 61%। ठीक है, फिर डिसीजन मेकिंग क्लोज टू 9 of 10 मेन वुमेन होल्ड बायसेस अगेंस्ट वुमेन, वो हम लोगों ने अभी देख ही लिया ऊपर। ठीक है, फिर फ्रीडम फ्रॉम वायलेंस जो पांचवा जो पैरामीटर था, उसमें क्या है, 245 मिलियन वुमेन आर विक्टिम्स ऑफ फिजिकल सेक्शुअल वायलेंस फ्रॉम एन इंटीमेट पार्टनर ईच ईयर। ठीक है, इंटीमेट पार्टनर में आपका हस्बैंड हो सकता है, लिव इन पार्टनर हो सकता है, ठीक है, और उसमें जो है जेंडर जो वायलेंस है वो मोर ऑफन देन नॉट वो वुमेन के अगेंस्ट टारगेटेड है। ठीक है, तो इतने इंटीमेट स्पेसेस के अंदर भी वुमेन डू नॉट फील सेफ, राइट? तो ये पूरा जो थी फाइंडिंग्स थी इस रिपोर्ट की। ओके, तो ये आप लोग पढ़ लेना इसको, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है। ठीक है, आई थिंक इस बार एक ना एक क्वेश्चन तो इस रिपोर्ट के ऊपर आ ही जाएगा। जी, तो नेक्स्ट इज जेंडर स्नैपशॉट 2023। ये रिपोर्ट जो है ये यूएन विमेन और साथ साथ में यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स निकालता है। अब यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स क्या है, ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो।
है, ये क्या करने की कोशिश करता है और कौन कौन सी रिपोर्ट्स। खैर आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए रखा है सो दैट कि आपको याद रहे कि ये यूएन डेसा जो है वो क्या चीज है। एक बार आपको ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी फिर याद करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भाई ये लोग करते क्या है, जेंडर स्नैपशॉट के अंदर जो है दे ट्राई टू मेजर द प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है आई होप अभी तक इस पॉइंट तक आप लोगों ने नोट्स में अच्छे से पढ़ लिए होंगे, रट्टे मार लिए होंगे सारे के सारे जो 17 गोल्स हैं उनके। ठीक है, तो ये जेंडर पर्सपेक्टिव से एसडीजीज के ऊपर कौन कौन सी कंट्रीज कितना प्रोग्रेस कर रही है उसको मेजर करने की कोशिश करती है। ठीक है, जैसे फॉर इंस्टेंस देखो SDG 1 जो है वो है नो पॉवर्टी, कि दुनिया में से जो पॉवर्टी है वो एब्सोल्युटली खत्म हो जानी चाहिए, ऐसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 का टारगेट है बाय 2030। ठीक है, अभी क्या बोल रहे हैं इसी को अगर जब हम जेंडर पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि मिलियंस ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स जो हैं वो अभी भी एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर जी रही है। ठीक है, और अगर आपको 2030 तक उनको इस एक्सट्रीम पॉवर्टी से निकालना है तो फिर आपकी जो प्रोग्रेस है दैट विल नीड टू बी 26 टाइम्स फास्टर। ठीक है, देखो इट इज ऑलरेडी 2024, 2030 आने वाला है, लुक एट द प्रोग्रेस जो अभी तक SDGs के ऊपर हुई है। कि क्या बोल रही है ये रिपोर्ट्स कि आपको 26 गुना जो है प्रोग्रेस और करनी पड़ेगी तब जाकर के आप SDG 1 को जो है हासिल कर पाओगे। ठीक है, तो आप देख रहे हो कितना इम्पॉसिबल सी चीज़ है। तो ये सब कुछ है जब हम इनको जेंडर पर्सपेक्टिव से मेजर करने की कोशिश करते हैं तो हमें ये वाली जो रिजल्ट्स हैं वो मिलते हैं। ठीक है, फिर उसी तरीके से जीरो हंगर SDG 2 के ऊपर अगर आप देखोगे कि भाई 4 में से 1 लड़की जो है या 4 में से 1 वुमेन जो है वो मॉडरेट या सिवियर फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, और बाय 2030 भी ये हाल ज़्यादा नहीं सुधरने वाले हैं। एड्रेसिंग जेंडर गैप्स इन एग्री फूड सिस्टम्स कैन रिड्यूस फूड इनसिक्योरिटी एंड बूस्ट ग्लोबल GDP बाय नियरली $1 ट्रिलियन। कि अगर आप इस चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करते हो कि जो आपके एग्री फूड सिस्टम्स हैं, जो आपकी फूड सप्लाई चेन्स हैं, उसके अंदर जो है जेंडर जस्टिस ज्यादा हो, अगर आप वो कर देते हो तो फिर आपका GDP जो है वो बूस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब आपको हर एक चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इसमें मेरे ख्याल से बस इतना याद रखना कि ये रिपोर्ट जो है वो किसने निकाली है और थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से इसको देख लेना। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर ओनली 60% ऑफ गर्ल्स हैव कंप्लीटेड स्कूलिंग एट अपर सेकेंडरी लेवल कंपेयर टू 57% ऑफ बॉयज। तो ये सब कुछ यहाँ पे ये लोग देखते हैं। देन इज की SDG 5 जेंडर इक्वालिटी, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वुमेन विल स्पेंड एवरेज ऑफ 2.3 मोर आवर्स पर डे ऑन अनपेड केयर एंड डोमेस्टिक वर्क देन मेन। कि वुमेन जो है वो अनपेड काम जो है मेन से कितना ज्यादा करेंगी वो इन्होंने यहाँ पे हमें दिखा रखा है। ठीक है, उसी तरीके से रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, ट्वाइस एज लाइकली एज मेन टू रिपोर्ट इंस्टांसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सेक्स एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस एज लाइकली एज मेन टू एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैरिटल स्टेटस। ठीक है, कि भैया देखो क्या है कि मैरिटल स्टेटस के बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब है कि जैसे फॉर इंस्टेंस आपको कुछ जॉब्स में प्रेफर नहीं किया जाएगा या कुछ जॉब से निकाल दिया जाएगा एज सून एज यू गेट मैरिड। ठीक है, आपको ये बिलीव किया जाएगा कि अब तो जो आपका घर है वो आपकी ज्यादा प्रायोरिटी के ऊपर रहेगा, बच्चों को पालना पोसना जो है वो ज्यादा प्रायोरिटी के ऊपर रहेगा और आप जो है अपना जो ऑफिस का काम है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाओगे। ठीक है, और लेकिन एट द सेम टाइम मेन को ऐसे नहीं निकाला जाता जब उनकी शादी होती है, उनको फिर उनको तो बधाइयां दी जाती हैं, उनसे पार्टीज मांगी जाती हैं, राइट। तो वो सारी चीजें। उसके बाद SDG 13 क्लाइमेट एक्शन के ऊपर मे बी पुश्ड इन टू एक्सट्रीम पॉवर्टी एज अ रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो कुछ भी रिजल्टिंग फैक्टर्स होंगे उसमें जो है बहुत सारी मिलियंस ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स जो हैं दे विल बी पुश्ड इन टू एक्सट्रीम पॉवर्टी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो इस रिपोर्ट के अंदर हैं जो कि SDG के प्रोग्रेस को मेजर कर रहा है थ्रू अ जेंडर पर्सपेक्टिव। ऑलराइट, चलो अभी 10 मिनट के बाद आना। ठीक है, फिर हम लोग ये रिपोर्ट्स तो हैं एटलीस्ट आज खत्म करेंगे, क्लास खत्म होने वाली है। ओके, कोई डाउट अभी तक? सेम ही मैम, मतलब कि ये जो हमने किया है ना सिलेबस में ज्यादातर सेम ही है। ओके सेम है, एग्जैक्टली, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, मैं यही सुनना चाह रही थी एक्चुअली में। तो सिर्फ आप लोग जो नई इन्फॉर्मेशन है उसको याद रखने की कोशिश करना। ठीक है, चलो 10 मिनट के बाद ज्वाइन करना फिर।
ओके मैम।